आज तारीख हो चुकी है 3 अक्टूबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो थी केकेआर की टीम को लेकर। दरअसल केकेआर की टीम का आज यहाँ पर आईपीएल का काफी इंपोर्टेंट मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ होगा। अगर आज इस मुकाबले में केकेआर की टीम को जीत मिलती है तो प्लेऑफ्स के काफी करीब ये टीम पहुंच जाएगी, जबकि हार मिलने पर ये टीम प्लेऑफ्स से बाहर हो जाएगी इस मुकाबले से पहले। अब क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने इस टीम को सलाह दी है कि यहाँ पर ओयन मॉर्गन को अब इस टीम को ड्रॉप कर देना चाहिए और शाकिब अल हसन को अब बचे हुए मुकाबलों के लिए कप्तान नियुक्त करके प्लेइंग 11 में इंक्लूड करना चाहिए। इनका मानना है कि यहाँ पर ओयन मॉर्गन का इस आईपीएल एडिशन में काफी खराब प्रदर्शन रहा है, जहां पर आईपीएल 2021 के सीजन में केवल 10 के एवरेज से इन्होंने रन बनाए, जबकि केवल 110 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने यहाँ पर बल्लेबाजी करी। तो ओयन मॉर्गन का काफी खराब यह साल रहा, इसी वजह से अब काफी सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने अब इनको ड्रॉप करने की बात करी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या सचमुच ओयन मॉर्गन को ड्रॉप करके शाकिब अल हसन को आखिर आज के मुकाबले में यहाँ पर कप्तान बनाना चाहिए या फिर नहीं, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वह थी आज होने वाले आईपीएल के मुकाबलों को लेकर। दरअसल आज हमें आईपीएल के 2 बड़े काफी इंपोर्टेंट मुकाबले देखने को मिलेंगे, जहां पर आज पंजाब आरसीबी इसके साथ हैदराबाद और केकेआर के बीच काफी इंपोर्टेंट मुकाबले देखने को मिलेंगे। प्लेऑफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये दोनों ही मुकाबले काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। आप कमेंट करके आपके अकॉर्डिंग इन दोनों मुकाबलों में आखिर कौन सी 2 टीमें आज विजेता बनेगी। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एमपीएल पर लूट मची हुई है, जहां पर एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलने पर अब आईफोन मिल रहा है, वो भी हर रोज। आपने फैंटेसी ऐप से ये दावा सुना होगा कि करोड़ों जीतो, लेकिन किसी भी फैंटेसी ऐप ने आज तक करोड़ों रुपए नहीं दिए। लेकिन एमपीएल पर अब फैंटेसी क्रिकेट खेलने पर, फैंटेसी टीम बनाने पर आप रियल मनी अर्न कर सकते हो, आप लाखों रुपए जीत सकते हो। इतना ही नहीं, यहां पर की हेल्प करने के लिए अब क्रिकेट एक्सपर्ट दीपदास गुप्ता भी आ चुके हैं। वो आपको हर एक मुकाबले से पहले अपनी एनालिसिस से टीम बनाकर देंगे, सारी मेहनत उनकी होगी और सारे पैसे आप जीत सकते हो। कुल मिलाकर उनकी टीम लगाकर आप हर एक मुकाबले में लाखों रुपए जीत सकते हो। और यहां पर तो हर एक मुकाबले में मैं खुद की टीम बनाता हूं। कल के मुकाबले में मैंने यहां पर मेरी 20 टीमें बनाई थी और 20 टीम में से केवल 10वीं टीम ने मुझे यहां पर 7,000 रुपए जितवा दिए। आज के मुकाबले में मैं यहां पर 30 टीमें बनाऊंगा। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर मेरी आज की सबसे मेन टीम भी देख पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर आज के मुकाबले के लिए मैंने तो टीम बना ली, आप भी टीम बना ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप अभी एमपीएल डाउनलोड कर ले। इसके साथ ही आप टीम बनाकर आईफोन का भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर ले। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है राजस्थान और सीएसके के मुकाबले को लेकर। दरअसल कल राजस्थान और सीएसके के बीच आईपीएल का काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपोर्टेंट मुकाबला खेला गया था। इस मुकाबले में यहाँ पर फेफ डुप्लेसिस रन लेते हुए यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान से भिड़ गए थे। स्पीड अंत के बाद फेफ डुप्लेसिस काफी देर तक इंजर्ड नजर आए थे और इस इंजरी के बाद वो जल्दी आउट हो गए थे। कुल मिलाकर इससे यहाँ पर 3 महीने पहले फेफ डुप्लेसिस इसी तरीके से यहाँ पर पीएसएल में इंजर्ड हुए थे। उसके बाद लगभग 2 महीना वो क्रिकेट से दूर रहे थे और अब इस इंजरी के बाद सीएसके की तरफ से खबर है कि आने वाले 1 से 2 मुकाबलों में शायद अब फेफ डुप्लेसिस को रेस्ट दिया जा सकता है। कुल मिलाकर अब इनको प्लेऑफ्स के लिए फिट रखने के लिए अब आने वाले 1-2 मुकाबलों में अब इनको रेस्ट दिया जा सकता है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अब डुप्लेसिस की जगह आने वाले 1 से 2 मुकाबलों में आखिर सीएसके की टीम में कौन से प्लेयर को प्लेइंग 11 में चुनना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। दरअसल आईसीसी ने अब T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक नए नियम में बदलाव कर दिया, जहां पर आईसीसी ने पहले गाइडलाइन तैयार करी थी कि 10 अक्टूबर तक सभी टीमों को अपने वर्ल्ड कप के फाइनल स्क्वाड सबमिट करने होंगे। सभी टीमों को यहां पर अपने वर्ल्ड कप के 15 या फिर 18 मेंबर के फाइनल स्क्वाड आईसीसी को सबमिट करने होंगे। लेकिन अब इस डेट में बदलाव करके आईसीसी ने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया। अब 10 अक्टूबर की जगह 16 अक्टूबर तक अब सभी टीमें अपने स्क्वाड यहां पर आईसीसी को सबमिट कर पाएगी, यानी बीसीसीआई और इसके साथ ही टीम इंडिया के पास मौका है कि 16 अक्टूबर तक अब भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में चेंज किया जा सकता है, अब भी कुछ प्लेयर्स को ऐड किया जा सकता है, जबकि कुछ प्लेयर्स को अब भी टीम से बाहर किया जा सकता है।
होंगे, आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर बीसीसीआई को टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बदलाव करना चाहिए या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो थी आईपीएल टीमों की नई जर्सीज को लेकर। दरअसल हमने देखा था कि कल के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने यहाँ पर रेनबो कलर की जर्सी का प्रयोग किया था। आप अपनी स्क्रीन पर इस टीम की कल के मुकाबले की जर्सी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के बाद अब आरसीबी की टीम ने फैसला लिया कि प्लेऑफ्स के किसी एक मुकाबले में ये टीम रेड इसके साथ ही ब्लैक जर्सी का प्रयोग करेगी। कुल मिलाकर इस जर्सी के सैंपल कलर की फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आरसीबी की टीम ने यहाँ पर इस मुकाबले से कलेक्ट होने वाले सारे पैसों को अब यहाँ पर एनिमल के लिए डोनेट करने का फैसला लिया। यहाँ पर प्लेऑफ्स के किसी एक मुकाबले में अब आरसीबी की टीम इस तरह की जर्सी में हमें मुकाबला खेलती हुई दिखेगी और यहाँ पर जो भी पैसे कलेक्ट होंगे वो एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए अब डोनेट किए जाएंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये आरसीबी का सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आईपीएल के नए ब्रॉडकास्टर को लेकर। दरअसल यहाँ पर अब 25 अक्टूबर को हमें यहाँ पर आईपीएल के नए ब्रॉडकास्टर के लिए ऑक्शन देखने को मिलेगा। और सबसे पहले खबर थी कि स्टार स्पोर्ट्स ने इसके साथ ही सोनी नेटवर्क ने यहाँ पर इस ऑक्शन में भाग लेने का फैसला लिया है। लेकिन अब 5 कंपनियों के नाम निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने यहाँ पर आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग के राइट खरीदने की यहाँ पर कोशिश करी। अगर हम बात करते हैं उन कंपनियों की तो इनमें नाम आता है सोनी नेटवर्क का नाम आता है, डिस्नी का नाम आता है, फेसबुक का नाम आता है, अमेजोन का और नाम आता है यहाँ पर रिलायंस डिजिटल का। कुल मिलाकर इन 5 कंपनियों ने फैसला लिया है कि यहाँ पर आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए अब ये 5 कंपनियां यहाँ पर ऑक्शन का भाग होगी। ऑक्शन में हमें कंपनियों द्वारा अब यहाँ पर बोली देखने को मिलेगी। बोली के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि आखिर कौन से टीवी चैनल पर या फिर कौन सी कंपनी अब आईपीएल की ब्रॉडकास्टर बनेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर अब आईपीएल 2023 से लेकर 2027 के बीच आखिर ये 5 सालों के लिए यहाँ पर कौन सी कंपनी को आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स मिलने चाहिए। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या की तरफ से। दरअसल हार्दिक पांड्या ने कल हुए एमआई और हैदराबाद के मुकाबले से पहले एक बड़ी घोषणा करी थी जहां पर हार्दिक पांड्या ने अब ये कंफर्म कर दिया कि जल्दी ये दोबारा से बॉलिंग शुरू कर देंगे। जल्दी हार्दिक पांड्या को हम दोबारा से बॉलिंग करते हुए देखेंगे। हो सकता है कि आईपीएल के बचे हुए मुकाबलों में अब एमआई की टीम में बैलेंस लाने के लिए गेंदबाजी शुरू कर दे। इसके साथ ही वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप के वार्म अप मुकाबलों में तो ये कंफर्म रूप से गेंदबाजी करेंगे। तो अब हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के रूप में हमें वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अगर हार्दिक पांड्या का टी20 वर्ल्ड कप में इस साल कैसा प्रदर्शन रहेगा। अब बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आईपीएल की पॉइंट्स टेबल को लेकर। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर आईपीएल 2021 के सीजन की कंप्लीट पॉइंट्स टेबल देख पा रहे होंगे जहां पर अब यहां पर लगभग यहां पर नीचे की सारी टीमें एक तरह के यहां पर पॉइंट्स के साथ अब पॉइंट्स टेबल में अपना स्थान बना चुकी है। जहां पर केकेआर, एमआई, पंजाब इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीमों ने अब यहां पर 10-10 पॉइंट्स के साथ यहां पर लगभग ये टीमें बराबर ही दिख रही है। इसके साथ ही अब बचे हुए मुकाबलों में अब इन टीमों को 2-2 मुकाबले जीतने होंगे। मोस्ट लाइकली तो यहां पर सबसे ज्यादा केकेआर के पास मौका है जहां पर केकेआर की टीम की यहां पर सबसे बेहतर रन रेट होने के कारण आज की तारीख में तो इस टीम के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि राजस्थान की टीम भी या फिर पंजाब की टीम भी या फिर एमआई की टीम भी अब लगातार 2 मुकाबले जीत कर यहां पर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाए। तो टॉप 3 की टीमें तो यहां पर क्वालिफाई लगभग कंफर्म दिख रही है जबकि चौथे स्थान के लिए अब इन 4 टीमों के बीच हमें भिड़न देखने को मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन सी 4 टीम इस साल प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होगी और 15 अक्टूबर को आखिर कौन सी टीम आईपीएल की चैंपियन बनेगी। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप अभी एमपीएल डाउनलोड करके आप आज के मुकाबले के लिए तो अपनी टीम बना लें। इसके साथ ही आप आईफोन का भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।